कर्नाटक लॉकडाउन एक्सटेंडेड हो चुका है। कर्नाटक अब 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा, कंप्लीट लॉकडाउन बताया जा रहा है। पिछली जितने भी लॉकडाउन हुए थे उसमें लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया था, इस बार सख्ती से लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वजीर आला बीएस येडियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी अभी ये इत्तला दी है कि 10 मई से 24 मई तक 10 मई के सुबह 6 बजे से 24 मई के सुबह 6 बजे तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। दोस्तों, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जिस तरह से लॉकडाउन अब तक चलता आ रहा था, यानी जो 10 तारीख तक लॉकडाउन है उसी तरह का लॉकडाउन आगे है, बस उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि उसमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जाने को जो इजाज़त दी गई थी अब वो इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं, अगर व्हीकल के लिए इजाज़त नहीं है आप ट्रेन और प्लेन का सफ़र कर सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि ट्रेन और प्लेन हमारे बस में नहीं है, अगर ट्रेन और प्लेन में कोई जा रहा है तो उसे जाने की इजाज़त होगी। लेकिन पूरी तरह से गाइडलाइन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या जाने के लिए भी कोई पास की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन ये बताया गया है, वज़ीर आला ने कहा कि ये स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही थी। और जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, लगातार केसेस 50,000 का आंकड़ा रोज़ाना आ रहा था, जिसकी वजह से वज़ीर आला मजबूरन जो है इस तरह का कदम उठाएं। उन्होंने कई बार अपने बयानात में ये इंडिकेट किया था कि लॉकडाउन एक्सटेंडेड हो सकता है, लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा सकता है। अब ये लॉकडाउन बढ़ चुका है, पीर को यानी 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू होगी। आप इतवार से यानी कल आज और कल जो पुराना लॉकडाउन है वही गाइडलाइन इसमें रहेगा, यानी कि सुबह 12 बजे तक अभी आपको कोई ख़रीदारी के लिए इजाज़त होगी। पीर से यानी 10 तारीख से जो लॉकडाउन नया लॉकडाउन होगा उसमें सिर्फ सुबह छः बजे से 10 बजे तक सब्ज़ी वगैरह खरीदने के लिए इजाज़त है। इस लॉकडाउन में एक ख़ास बात यह भी है कि पिछले लॉकडाउन में रेस्टोरेंट में आपको पार्सल की इजाज़त थी, इस बार भी इजाज़त है, लेकिन आप व्हीकल लेके नहीं जा सकते, स्कूटर या कार लेके नहीं जा सकते, आपको वॉकेबल जाना पड़ेगा, चलते जाके आप पार्सल ले सकते हैं। होटल खुले रहेंगे लेकिन वहाँ बैठकर खाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ पार्सल की इजाज़त है और वो भी आप चलते जाके ले सकते हैं। और दूसरा, मेट्रो ट्रेन बंद रहेगी और कई ऐसे कारखानों को भी उन्होंने सख्ती से बंद करने का ऐलान किया है जो पहले लॉकडाउन में इजाज़त दी गई थी। दूसरी चीज़ जो है, स्कूल कॉलेज तो जैसे पहले के लॉकडाउन में बंद थे उसी तरह से आगे भी बंद रहेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली नहीं है। हालांकि शादियों को भी इजाज़त है सिर्फ 50 लोगों के लिए, जो कि पहले के लॉकडाउन में भी थी, लेकिन इसमें सब्ज़ी के लिए थोड़ी सी छूट इसलिए दी गई है ताकि एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, तो ठेलों को जो है इजाज़त दी गई है, ठेले घरों तक जो है सब्ज़ी पहुँचा सकते हैं। और ये जो लॉकडाउन है ये 24 तारीख तक है, इसमें सबसे सख्ती ये महसूस की जा रही है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई, यानी आप कार लेके व्हीकल लेके आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले को फ़िलहाल नहीं जा सकते। फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जाना है, तो आप ट्रेन से या फ़्लाइट से जा सकते हैं। और वज़ीर आला ने कहा कि अगर वो ट्रेन का पास, ट्रेन की टिकट और फ़्लाइट की टिकट दिखा के जाने के लिए उनकी इजाज़त है। अभी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि अलग से कोई पास लेना पड़ेगा, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। गाइडलाइन आ चुकी है, गाइडलाइन हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे भी अपडेट होगा आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो चुका है, 10 तारीख से ये लॉकडाउन लागू होगा, नया लॉकडाउन, इसमें सख्ती है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहेगा। और दूसरा, ट्रेन चालू है, बसें बंद रहेंगी, जैसे पिछले लॉकडाउन में जैसे था वैसे ही है। पिछले लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में दो फर्क बड़े दिख रहे हैं। एक फ़र्क ये है कि आप व्हीकल किसी और शहर को नहीं जा सकते, दूसरे ज़िले को नहीं जा सकते। दूसरा, व्हीकल लेके आप पार्सल के लिए मार्केट नहीं जा सकते। थोड़ी सी इसमें सख्ती नज़र आ रही है, जैसे अभी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सलाम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। खुदा हाफिज़।